नाबालिग लड़की की तस्वीर शेयर करते हुए सोशल मीडिया पर दावा चलाया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जिले के एक गांव की बच्ची को किडनैप किया गया और बाद में उसका बलात्कार कर हत्या कर दी। सोशल मीडिया यूजर्स दावा कर रहे हैं कि इस घटना का आरोपी रोहिंग्या मुस्लिम है और उसका नाम मुजफ्फर अली है, जो कि इस गाँव में शील कुमार के नाम से एक हिंदू बनकर रह रहा था। ट्विटर यूजर शुभम शर्मा ने ये तस्वीर ट्वीट करते हुए यही दावा किया। गौर करें कि शुभम प्रोपोगेंडा वेबसाइट नियो पॉलिटिको के फाउंडर है। साथ में शुभम ने आरोपी की तस्वीर बताते हुए ये एक और तस्वीर ट्वीट की। नियो पॉलिटिको ने ऐसे ही दावे के साथ ये आर्टिकल भी पब्लिश किया था। जब ऑल्ट न्यूज ने इस दावे के संदर्भ में ट्विटर पर सर्च किया तो हमें राइट विंग यूजर्स के वायरल तस्वीर वाले ऐसे कई ट्वीट्स मिले जिसमें यही दावा किया गया है। देखते ही देखते प्रोपोगेंडा आउटलेट ऑफ इंडिया ने भी आर्टिकल में यही दावा करते हुए खबर शेयर की। इस दावे के बारे में ऑल्ट न्यूज की टीम ने जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश की। सबसे पहले तो हमने श्रावस्ती पुलिस का ट्विटर हैंडल चेक किया। हमें 4 जून का ये ट्वीट मिला जिसमें श्रावस्ती की SP प्राची सिंह ने घटना के बारे में ये बताया। कल 3 जून 2023 को रामपुर पैड़ा गांव पड़ता है जिलौला थाना अंतर्गत, जिसमें राम मोहन पाठक जी रहते हैं, उनके द्वारा एक सूचना दी गई थाने में कि उनकी एक नाबालिग लड़की है जिसको उसी गाँव का रहने वाला शील कुमार पुत्र रामफेरन वो अपने घर बुला के ले गया है। और काफी देर तक जब लड़की अपने घर वापस नहीं आई तो जब थाने में रिपोर्ट उन्होंने लिखाई तो थाने में 107/23 मुकदमा संख्या धारा 363 के अंतर्गत दर्ज हुआ है। आज हम लोग ने रात से ही कई टीमों का गठन कर दिया था, तो आज सुबह जो है जो अभियुक्त है उसकी गिरफ्तारी की गई है और अभियुक्त की निशानदेही पे हम लोग ने लड़की का शव बरामद किया है। प्रथम दृष्टिया ये देखने में लग रहा है कि उसका बलात्कार करके उसकी हत्या की गई है। इसमें लड़की को PM के लिए भेजा दिया गया है और इसमें अग्रविधिक कार्रवाई की जा रही है और धारा को भी तरमीम किया गया है। इसमें जो भी आगे साइंटिफिक एविडेंसेस आएंगे उसके हिसाब से हम लोग आगे कार्रवाई करेंगे। आगे हमने गिलौना पुलिस स्टेशन में भी कांटेक्ट किया। वहां के SHO अखिलेश पांडे ने बताया कि आरोपी का नाम शील कुमार है और वो एक हिंदू ब्राह्मण है, उसके पिता का नाम राम फेरन है। उन्होंने सोशल मीडिया के आरोपी को रोहिंग्या मुसलमान बताकर उसका असली नाम मुजफ्फर अली होने के वायरल दावों का खंडन किया और हमें आरोपी के आधार कार्ड की तस्वीर भी भेजी जिसमें शील कुमार पाठक नाम लिखा है। यानी उत्तर प्रदेश के एक गांव में शील कुमार नाम के लड़के ने एक नाबालिग लड़की को अगवा कर उसका बलात्कार किया और बाद में उसकी हत्या कर दी। इस पूरी घटना को सोशल मीडिया पर फर्जी कम्युनल एंगल दिया गया कि ये लड़का रोहिंग्या मुस्लिम है और उसका नाम मुजफ्फर अली है।